कितनी बार मैं तुम्हें ये ध्यान रखना है तो 2 5 जा यानी 5 बार है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप बता सकते हो, फिर समझा लूंगी। दूसरा है आपका 8/2। ये जो सिंपल देखो, ये इस तरह की लाइन और ऊपर एक बिंदी होती है और नीचे एक बिंदी होती है, तो ये डिवाइड का सिंपल होता है। आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड का सिंपल होता है। इस तरह के जो सिंपल आते हैं इसका मतलब ये डिवाइड है हमारा। ठीक है, अब 2 की टेबल को हमें बोलना है, ये 2 की टेबल, और हमें किस पर रुकना है, 8 पर रुकना है। जहां पर बोलते समय 2 की टेबल को बोलते समय हमारा 8 आ जाता है, वही आप रुक जाएंगे। तो क्या आ रहा है ये? अब 2 की टेबल 8, देखो 2 की टेबल को बोलो और 8 पर रुक जाना है, तो 2 बन जाए 2, 2 या 4, 3 या 2 हो जा 8, तो 8 आ गया। तो कितनी बार में आया ये 8? 2 4 जा यानी 4 टाइम हमने टेबल बोली थी, 4 बार बोला था इसको, 2 4 जा 8। अब आपका 15 15/3, तो 15 3 का डिवाइड आपको 15 में देना है, तो 3 की टेबल आप बोलोगे और 15 पर रुक जाओगे। देखो 3 बन जा 3 3 2 6 3 3 या 9 3 4 10 और 3 5 जा 15। अब और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 9 खींच के देख लो, 3 बन जा 3 3 2 जा 6 3 3 या 9 3 4 जा 10 और 3 5 जा 15। तो हम 15 पर रुक गए। आइए बताओ कितनी बार पे रुकेंगे, 1 2 3 4 5, तो 3 5 जा होते ना, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 10 3 5 जा 15, तो 5 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे डिवाइड हमें देना है 4 से, तो 4 की टेबल बोलनी है आपको, फिर आपको 4 की टेबल बोलते समय 16 पर रुकना है। बोलिए 4 बन जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 10 और 4 4 जा 16। तो कितनी बार बोली थी हमने, कितने हुए बताओ? 16 पर रुके थे कितनी बार में, 4 4 जा 16। अब है आपका 15, तो 15 को डिवाइड करना है 5 से। तो 5 की टेबल बोलो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा, इसका मतलब 3 जा आ रहा है, तो 3 टाइम 3 बार बोला है हमने, 5 3 जा 15। आगे है आपका 18/3। ठीक है, अब 3 ये 18 लिखा हुआ है और 3 का डिवाइड देना है 18 में, तो इसका मतलब 3 की टेबल बोलनी है आपको और 18 का रुकना है। ठीक है, तो ये बोलो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 10 3 5 जा 15 3 6 जा 18, इसका मतलब 6 जा आया, तो 6 का क्या हो गया 6, तो 3 6 जा 18, 2 10 कितना आ गया? मेरा मेकिंग होता है